हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्गोरिदम दैट इज आल्सो कॉल्ड डा डिजाइन एनालिसिस एंड एल्गोरिदम व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस और आप इसको बोल सकते हो वन ऑफ द मेन कोर सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस का। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैं आपको दो एस्पेक्ट से समझाना चाहता हूं। सबसे पहला एस्पेक्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें गेट एग्जाम की, तो गेट एग्जाम में अप्रोक्सीमेट 10 मार्क्स का जो पेपर है वो किसमें से आता है, एल्गोरिदम से। तो आप कह सकते हो कि आउट ऑफ 110 का मतलब है कि 10% ऑफ द सिलेबस जो है वो कहां से आ रहा है, इस सब्जेक्ट से आ रहा है। और अगर हम बात करें यूजीसी नेट की, जिसको बोलते हैं एनटीए नेट, उसमें भी अप्रोक्सीमेट 10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो कहां से आते हैं, एल्गोरिदम सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं। और दूसरा एस्पेक्ट यहां पे क्या है, प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरली ये सब्जेक्ट जो है वो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं सेकंड ईयर में, दैट डिपेंड्स ऑन द करिकुलम ऑफ द यूनिवर्सिटीज, बट जनरली स्टूडेंट जो है वो थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट जो है वो पढ़ते हैं। तो यहां पे कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि आज भी हाईएस्ट पेड जो कंपनीज हैं, अगर मैं बात करूं फेसबुक की, मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट की, दे आर स्टिल आस्किंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, क्योंकि ये एक अंडरलाइंग आर्किटेक्चर है। मतलब जितनी भी टेक्नोलॉजीज आज के टाइम पे चल रही हैं, अगर हम बात करें गूगल की, तो गूगल पे अगर हम ऑब्वियसली डेली बेसिस पे सर्च कर रहे हैं, अब जैसे ही हम एक सिंपल सी चीज सर्च करते हैं, गूगल इज डीलिंग विद पेटाबाइट्स ऑफ द डेटा। अब पेटाबाइट्स ऑफ द डेटा में से आपकी एक सिंपल सी क्वेरी कैसे सर्च होके आती है, आपको कैसे वेब पेजेस उसके रेलेवेंट आपको दिखा रहा है, दैट इज अ सर्चिंग एल्गोरिदम्स आर वर्किंग अंडर दैट। अगर मैं बात करूं, आप यूट्यूब पे लिखते हो टॉप ट्रेंडिंग मूवीज या टॉप ट्रेंडिंग सॉन्ग्स, मतलब आप अपने डेटा को बेस्ड ऑन देयर व्यूज या बेस्ड ऑन देयर सब्सक्राइबर्स आप क्या कर रहे हो, सॉर्ट कर रहे हो। तो यानी बिहाइंड द सीन क्या चल रहे हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं गूगल मैप की, तो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं, आज से अगर मैं पहले की बात करूं तो हम पूछ के जाते थे कि हाँ यार अब मेरे को इस जगह पे जाना है, कैसे जाऊं, कैसे लेफ्ट राइट कहां मुड़ना है, सब कुछ। लेकिन आज के टाइम पे हम सिंपल क्या करते हैं, गूगल मैप को यूज करते हैं। डेस्टिनेशन डाला, मेरे को मल्टीपल पाथ दिखाता है, मैंने शॉर्टेस्ट पाथ, जो भी ऑप्टिमम पाथ मेरे को मिल रहा है, मैंने उसको फॉलो किया। यानी यहां पे क्या यूज हो रहा है, यहां पे हम यूज कर रहे हैं शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम्स, बिहाइंड द सीन जो है वो काम कर रहे हैं। तो जितनी भी कंपनीज है ना, जितनी भी मेजर कंपनीज है, वो आपको इन टेक्नोलॉजीज के बारे में मेजरली नहीं पूछते। अगर आपने रिज्यूम में लिखा है तो डेफिनेटली दे विल ट्राई टू आस्क, लेकिन मेन वो सब्जेक्ट वो पूछते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम से, क्योंकि कंपनीज में तो उनके अपने मॉड्यूल्स हैं, उनकी अपनी टेक्नोलॉजीज हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके ऊपर उन्होंने काम करवाना है। लेकिन पहले वो पूछते हैं बंदे से कॉन्सेप्ट कि यार इस बंदे को कॉन्सेप्ट पता है या नहीं। तो कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एल्गोरिदम एज वेल एज डेटा स्ट्रक्चर दोनों ही वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट्स हैं। तो यहां पे इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन डिस्कस करने जा रहा हूं, और इसकी सिलेबस, इस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कौन कौन से टॉपिक्स आपको मैंडेटरी है, मतलब आपको करने ही करने हैं, और अगर आप प्लेसमेंट की भी बात करो तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही करने हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले इसके सिलेबस की, तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे एसिम्प्टोटिक नोटेशन, जिसमें हम बात करते हैं बिग ओ नोटेशन की, ओमेगा नोटेशन की, थीटा नोटेशन की। और एसिम्प्टोटिक नोटेशन जितना भी एल्गोरिदम का, पूरे के पूरे एल्गोरिदम्स में जितने भी हमारे सर्चिंग सॉर्टिंग सारे एल्गोरिदम्स हैं, उनमें आपको यूज होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो पोर्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वो पूछते हैं वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड। मतलब क्विक सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट, मल्टीपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स है, या फिर प्रिम्स है, क्रूसिगल है, डिजस्ट्रा है, देयर आर डिफरेंट एल्गोरिदम्स, उनकी बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उनकी एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और उस कॉम्प्लेक्सिटी को हम डिनोट कैसे करते हैं, दैट इज अ एसिम्प्टोटिक नोटेशन। तो ये दोनों ही पोर्शन जो है आप कह सकते हो बैकबोन है एल्गोरिदम की, और इसमें से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। आपके प्लेसमेंट के कई बार एग्जाम जो होते हैं, प्लेसमेंट में भी कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू से पहले एग्जाम्स होते हैं, तो एग्जाम में एप्टीट्यूड का भी पोर्शन होता है। और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड अगर हम बात करें तो देर आर डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो वहां पर भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, अदरवाइज कई बार आपको रेकरेंस रिलेशन दे देंगे, जिसको आपको ट्री मेथड से या मास्टर थ्योरम से आपको सॉल्व करना होता है।
नेक्स्ट आता है डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड. तो डिवाइड एंड कॉन्कर में जल्दी हम बात करते हैं बाइनरी सर्च की, वहां हम बात करते हैं क्विक सॉर्ट की, मर्ज सॉर्ट की, कैसे वो काम करते हैं, क्या उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज एंड ऑल. और यहां पे ऑल सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, ऑल सॉर्टिंग में जो मेजर हमारे पास यूज होते हैं वो है सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट इज देयर, एज वेल एज द हीप सॉर्ट इज देयर व्हिच इज यूज्ड इन द हीप ट्री. तो मैक्स हीप है, मिन हीप है, यहां पे हम यूज करते हैं. क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं. इसके अलावा रेडिक सॉर्ट है, काउंटिंग सॉर्ट है, देयर आर वेरियस सॉर्टिंग मेथड्स आर देयर, सर्चिंग मेथड्स आर देयर, बाइनरी सर्च है, लीनियर सर्च है, जिनके ऊपर आपको क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं. और क्वेश्चंस मेनली किससे रिलेटेड होंगे, या तो उनके रेकरेंस रिलेशन से होंगे, ये आप नोट कर लेना, या तो उनके रेकरेंस रिलेशन से होंगे या फिर उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड होंगे, कि उसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ट केस क्या है, इन प्लेस एल्गोरिदम क्या होता है, या अगर हम बात करें कि कौन सा एल्गोरिदम किसके ऊपर जो है वो बेटर है, तो वो बेटर आप कैसे फाइंड आउट करोगे. बेटर ऑब्वियसली आप कंपेयर करोगे बेस्ड ऑन देयर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. नेक्स्ट आता है इसमें ग्रीडी मेथड्स. ग्रीडी मेथड्स में हमारे पास आते हैं जॉब सीक्वेंसिंग है, नैपसैक है, ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न है, हफमैन कोडिंग है, डिजस्टर एल्गोरिदम है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री है. तो अगर मैं बात करूं, वैसे तो सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इसमें से अगर मैं बताऊं आपको अपने एनालिसिस के बेस पे कि गेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है दैट इज मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री. तो मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री में हम बात करते हैं प्रिम्स एल्गोरिदम की और क्रुस्गल एल्गोरिदम्स की. और यहां पे जो दूसरा इंपॉर्टेंट है दैट इज अ डिजस्ट्रा एल्गोरिदम. डिजस्ट्रा एल्गोरिदम के अलावा जो नेक्स्ट आता है हमारे पास हफमैन एनकोडिंग. ये जो है, मैं इन तीन पोर्शंस को सबसे ज्यादा, ये इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी को आप छोड़ ही दो, ये है प्रोबेबिलिटी बेस्ड, मतलब कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है. तो आप कह सकते हो कि इनकी प्रायोरिटी एज कंपेयर टू दिस ज्यादा है, बट आपको एटलीस्ट इनके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये काम कैसे करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. इजी टॉपिक है दिस, ग्रीडी मेथड इज अ इजी टॉपिक. देन ग्राफ ट्रावर्सल. ग्राफ ट्रावर्सल में जैसे हम यहां पे बात कर रहे थे ट्री की, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं यहां पे ग्राफ की. तो वैसे तो ग्राफ और ट्री दोनों ही क्या है, डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पे आपको एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर का कंबाइंड कोर्स भी हो सकता है. कईयों में तो क्या होता है डा अलग से कोर्स होता है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम को कंबाइंड भी कर देते हैं. तो यहां पे ये पोर्शन जो है ग्राफ वाला या फिर ट्री वाला अगर मैं बात करूं, तो वहां पे भी होगा, डेटा स्ट्रक्चर में भी और यहां पे भी, दोनों में कॉमन है. तो इसीलिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दो जगह पे है, तो या तो अगर इसमें से पूछ लेंगे या फिर डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेंगे. तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास ग्राफ ट्रावर्सल, जिसमें ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च. नेक्स्ट आता है डायनामिक प्रोग्रामिंग. डायनामिक प्रोग्रामिंग इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर द गेट एग्जाम. सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है गेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं है क्वेश्चन, कई बार गेट के ही प्रीवियस क्वेश्चंस वहां पे पूछ लेते हैं. और प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एटलीस्ट आप इनके रेकरेंस रिलेशन तक या उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो कैसे रिड्यूस करती है, कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को मैनेज करती है, एटलीस्ट आपको अगर इतना भी पता है दिस इज मोर देन इनफ. तो यहां पे मेरे पास आते हैं ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, मल्टी स्टेज ग्राफ, ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री, TSP, that is traveling salesman problem, very important. ये आपके artificial intelligence में भी आती है, वहां पे भी बहुत सारी problems हैं, बहुत सारी चीज, बहुत सारे algorithms हैं जिनको हम यहाँ पे solve करते हैं. और TSP जो है one of the standard problem है, standard problem है, that is the traveling salesman problem. 01 knapsack है, longest common subsequence है, matrix chain multiplication है, यहाँ पे sum of subset problems है. तो इनके at least आपको reference relation जो है वो पता होने चाहिए, और इनका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एटलीस्ट वो आपको यहां पे पता होनी चाहिए. नेक्स्ट आता है हैशिंग. हैशिंग इज अगेन इंपॉर्टेंट, ये डेटाबेस में भी आती है. डेटाबेस में भी बहुत सारे आपको अगर आप चेक करो तो काफी जगह पे क्या होता है कि डेटाबेस में भी, हमारे डीबीएमएस के सिलेबस में भी हैशिंग का पोर्शन होता है, लेकिन ये जनरली आता है इसके अंदर एल्गोरिदम के अंदर. तो हैशिंग में, हैशिंग होता क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओपन एड्रेसिंग क्या होती है, क्लोज्ड क्या होती है, लीनियर प्रॉबिंग, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग क्या होती है, सिंपल क्वेश्चंस जो है इसके ऊपर आते हैं. लास्ट पोर्शन यहां पे आता है दैट इज पॉलिनोमियल, पी एन पी नॉन पॉलिनोमियल, एन पी हार्ड, एन पी कंप्लीट प्रॉब्लम. ये पोर्शन अब गेट के एग्जाम में नहीं है, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये नहीं है, उन्होंने इसको एक्सक्लूड कर दिया है. लेकिन नेट में कई बार एक आधा क्वेश्चन, हार्डली एक आधा क्वेश्चन जो है वो आ जाता है. तो इस पोर्शन को
आपको बेसिक सा पता हो कि हाँ इसका मतलब ये होता है, P प्रॉब्लम कौन सी है, NP कौन सी है, क्या इनका सिग्निफिकेंस है, तो ये एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे अगर मैं पूरे सिलेबस को एनालाइज करूं, क्या इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑल सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिदम्स, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड उनकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और इसको थोड़ा और कन्वीनियंट करने के लिए मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बनाई हुई है रिलेटेड टू द कंपैरिजन ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वेरियस एल्गोरिदम्स। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है एल्गोरिदम्स की ऑलरेडी, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हो, वहां पे आपको पता लग जाएगा कि कैसे कंपेयर करते हैं हम डिफरेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू हो तो फिर आपको वो चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम एक एक करके जब एल्गोरिदम्स को डिस्कस करेंगे, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, देन यू विल बी कंफर्टेबल विद दैट वीडियो। लेकिन उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो यहां पे लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि एल्गोरिदम आपके जो कोर सब्जेक्ट है, प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट क्या करते हैं ना आज के टाइम पे, दे आर फोकसिंग मोर ऑन कि यार एडवांस पढ़ लेते हैं, डेटा साइंस पढ़ ली, आर पढ़ ली, पाइथन पढ़ ली, आईओटी, साइबर सिक्योरिटी है, वेब स्टैक है, फुल स्टैक डेवलपमेंट है, एंड्रॉयड है। ठीक है, ऑब्वियसली ये चीजें आनी चाहिए, लेटेस्ट चीज है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कोर सब्जेक्ट है उसको आप पीछे छोड़ दो, क्योंकि कंपनीज जो है वो अभी भी पूछ रही है क्वेश्चन, और ज्यादातर क्वेश्चन वो अभी भी पूछती है C, data structure and algorithm. So this is all about the introduction of and the syllabus discussion of algorithm. Thank you.